हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका किरण की फुलवानी में। ये देखिए वीडियो की शुरुआत, ये अलामांडा की इस फ्लावर के साथ धूप की वजह से देखिए कैसे हो गए हैं। धूप इतनी तेज़ है कि देखिए बहुत छोटे फ्लावर हो रहे हैं या खिल ही नहीं पा रहे हैं, तो इसमें हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। इतने धूप में ये खड़े हैं, यही बहुत बड़ी बात है। खिलना तो बहुत मुश्किल का काम है। मेरे यहाँ कोई ग्रीन नेट की व्यवस्था नहीं है, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अकेले ही संभालती हूँ तो इतना कुछ नहीं कर पाती मैं। तो इस सीज़न मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही तीखी धूप निकल रही है, क्योंकि बीच बीच में बारिश होती रही और बारिश के बाद जो धूप निकलती है वो बहुत तीखी होती है। तो इसकी वजह से फ्लावरिंग सभी कर रहे हैं बेचारे, लेकिन बहुत छोटे छोटे, देखिए डबल चांदी में भी बहुत छोटे फ्लावर आ रहे हैं, और ये देखिए मधुमालती में बहुत सुंदर से देखिए पूरे बड्स भरे पड़े हैं, बड्स बन रहे हैं, खिल भी रहे हैं थोड़े थोड़े। ये देखिए ये वाइट वाले अपराजिता, ये भी खिल रहे हैं, लेकिन वही है धूप की वजह से जल्दी बंद भी हो जा रहे हैं। और मेन जब फ्लावर खिलते हैं उस टाइम गार्डन में हमारा खड़े रहना मुश्किल हो जाता है, तो हम वीडियो क्या बनाएं। ये जो प्लांट है हमेलिया का प्लांट फ्रेंड, ये बहुत ही सुंदर प्लांट मुझे लगा। ये बिल्कुल यूफोरबिया मिली की तरह है। ये जो फ्लावर खिले हैं ना, ये महीनों से खिले हुए हैं। इनकी ना मैं कोई कटाई छटाई करती हूँ, ना कभी कोई फर्टिलाइज़र डालती हूँ, और ये फ्लावर ऐसे बने रहते हैं जो खिले हुए। देखिए अभी मई का महीना है, बिल्कुल तीखी धूप में ना रखें, थोड़ा सा इसको ठंडक में रखें। और बिल्कुल ये देखिए, इसको फायर वुस प्लांट भी बोलते हैं, जैसे आग की लपटें निकलती हैं वैसी ये इसके फ्लावर दिखते हैं। और ये बहुत ही प्यारा और हार्डी प्लांट है, तो इस प्लांट को ज़रूर आप अपने गार्डन में ला के ऐड करिएगा। ये देखिए अभी रोज़ भी मेरे खिल रहे हैं, और ये तो बिल्कुल जल से गए हैं, तो मैं इनको कट करके हटाऊँगी। ये देखिए इसमें भी बहुत सुंदर से फ्लावर आएंगे, थोड़े पर्पल और पिंक शेड में, तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। मतलब गर्मियों के बहुत सुंदर सुंदर प्लांट मेरे पास हैं, थोड़ी सी धूप में ठंडक आए इनको राहत मिले तो बहुत अच्छे से खिलेंगे। ये देखिए मेरा अडेनियम है जो बहुत अच्छे से चल रहा है, एक ये है, एक ये है, एक इधर है देखिए, और एक ये है कटिंग से लगा हुआ है। इसमें देखिए सीड भी बन रहे हैं, अब सीड से भी मेरे को कुछ प्लांट तो मिल ही जाएंगे, एक दो तो मिल ही जाते हैं। कटिंग से ग्रो हुए देखिए एक अडेनियम इधर मैंने छोटू से इसमें हैंग कर दिया है, और इसमें पानी रुकने का डर ही नहीं रहता है, और बहुत अच्छे से ग्रो हो गया है। इसको दूसरा प्लांटर दूंगी, और एक ये है, दो इधर हो गए और सीड भी बन रहा है। इधर देखिए कुछ प्लांट मैंने इधर रखे हैं सेडी प्लस में छुपा छुपा के, और ये सब छोटे छोटे बॉटल प्लांटर में, इनमें नया नया कटिंग लगा के मैं टांगती जा रही हूँ। इनका क्या है फ्रेंड कि जो पुराने, ये इनको बनाने में बहुत टाइम लगता है, लगता है कि ये बहुत आसान है इनको होल करना, फिर इनमें डोरियाँ बांधना। तो जो पिछले सीजन के आपके जो प्लांटर बने बनाए हैं आप उनका ज़रूर यूज करिए, उनका पूरा यूज करिए, उसके बाद कुछ नया बनाइए। तो मैं वही करती हूँ कि जो पुराने हैं कम से कम नया उसमें होल नहीं बनाना पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, तो सीधे सीधे उनमें मैं मिट्टी भर के ये कटिंग लगाती जा रही हूँ। देखिए बेबी सनरोज़, ये देखिए मॉर्निंग ग्लोरी, और ये साइप्रस वाइन एक ही में मैंने लगा दिया है, ये बहुत सुंदर से खिलेंगे। और मेरे बोगनविला भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, ये देखिए प्रूनिंग के बाद इनमें न्यू न्यू ग्रोथ हो रही है। ये देखिए मेरा पिंक टिकोमा है, बहुत हेल्दी सा ग्रो हो रहा है, और जहाँ तहाँ इसमें थोड़े बहुत बर्ड्स भी बनेंगे। सारे प्लांट सिर्फ धूप से झुलस रहे हैं देखिए, नहीं तो सभी खिल रहे हैं, सभी खिल रहे हैं। इधर देखिए बडालिया, इसमें भी ये छोटे छोटे फूल आ रहे हैं,
इधर देखिए रिपोर्टिंग वाला मेरा प्लांट है, ये जो देसी वाला कनेर है फ्रेंड, ग्रीनरी के लिए इस प्लांट को लगाना बहुत अच्छा होगा गर्मियों में, क्योंकि इसकी पत्तियां इतनी सुंदर लगती है, झुंड में रखी हुई आप देख सकते हैं, बिल्कुल हरियाली से भर जाता है वो कॉर्नर जिस कॉर्नर में आप इन प्लांट को रखते हैं, ये देखिए। और इधर देखिए लेंटाना, और ये लेंटाना की कटिंग मैंने छोटी सी बॉटल में लगा दी थी, वेस्ट बॉटल में, देखिए कितने सुंदर से इसमें खिल रहे हैं ये। ये टावर वाले में भी आज खिले थे, पर उस टाइम मैं वीडियो बनाने के कंडीशन में रहती नहीं हूँ, बहुत धूप होती है सुबह 9-10 बजे के लगभग, तो पर्सलैन पोर्च लाकर दिखाना तो अभी बहुत मुश्किल हो रहा है। ये देखिए चंपा बहुत सुंदर से खिल रहा है इधर। ये देखिए मेरा नीम का प्लांट है, इसे मैंने कटिंग से ग्रो किया था देखिए, और हर गार्डन में नीम का प्लांट होना बहुत ज़रूरी है, नीम की पत्तियां हमारे गार्डन में बहुत यूजफुल होती हैं, इनकी पत्तियां फंगीसाइड का काम करती हैं, इनको पानी में बॉईल करके आप उस पानी को स्प्रे कर सकते हो, फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज कर सकते हो, इसकी सूखी पत्तियां मल्चिंग के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये सीताफल का प्लांट भी मैंने सीड से ही ग्रो किया है, और ये देखिए ये मुनगा का प्लांट है, और ये भी मैंने सीड से ही ग्रो किया है। ये अमरूद का प्लांट भी मैंने सीड से ही ग्रो किया है देखिए। ये मेरे आम का प्लांट है जिसको मैंने सीड से ही ग्रो किया है, इसकी पत्तियां पूजा पाठ में काम आती हैं। इस टाइम थोड़ी देर तक आप तो अपने गार्डन में रुक सकते हो, या तो आप बिल्कुल सुबह सुबह आते हो बिल्कुल 5-6 बजे के लगभग, तभी आप गार्डन में आपका रुकना हो पाएगा, नहीं तो फिर 7, 7:30, 8 से तो फिर तीखी धूप निकल जाती है और उसमें रह पाना तो बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड। हिबिस्कस के देखिए मैंने बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं, सब कटिंग के ही लगे हुए हैं। इधर कॉस्मोस मेरे बहुत अच्छे चल रहे हैं, और ये देखिए हिबिस्कस में ये मिली बग का अटैक, अगर इनको आप कट कर पा रहे हो तो कट करके हटाओ, या ब्रश से साफ करो, या नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए आप, ये बर्ड्स बनने नहीं देते हैं और खिलने नहीं देते हैं। तो आज की मेरी यही थी छोटी सी शेयरिंग, कल संडे था, कल थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं अपना संडे अपडेट दे नहीं पाई, वैसे हमेशा देती नहीं हूँ, पर सोचती हूँ कि सारे प्लांट के एक बार मैं आपको सबसे परिचय करवा पाऊँ। और इधर देखिए एक, ये तो मेरा साइप्रस वाइन है ही है, बहुत सुंदर प्लांट है ये, 2 पॉट में लगा हुआ है, और ये है मेरा प्यारा सा प्लांट, ये देखिए मैंडोविला, ये देखिए कल इसमें खिले हुए थे और भी बर्ड्स बने हुए हैं देखिए, इनके चढ़ने का मैं इंतज़ाम कर दी हूँ। हाय, तो बस फ्रेंड आज की यही थी मेरी शेयरिंग, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, और जो भी चैनल पे पहली बार हैं, क्योंकि व्यूज़ तो बहुत आते हैं 100-150 के लगभग, तो उनमें से आधे भी अगर सब्सक्राइब कर लें तो हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें जो भी नए हैं। ओके फ्रेंड, बाय।